नमस्कार newsabtak.in से मुकेश मिश्रा आज की दिन भर की खबरों के साथ। जहां शिवराज सिंह किसानों के हितों की बात करते हैं, वहीं पर मंडी के कर्मचारियों द्वारा किसानों की धान तौली नहीं जा रही है। ऐसे में किसान नाराज होकर आत्महत्या की धमकी दे डाले। ऐसा ही मामला सतना जिला के अमरपाटन का है, जहां कृषि उपज मंडी में धान खरीदी चालू होते ही व्यापारी और बिचौलिए सक्रिय हो जाते। किसानों की फसल तो तुलना दूर हो, धान लाकर किसान तुलने का इंतजार कर रहे हैं, मगर 8 से 9 दिन हो चुके, आज तक नंबर नहीं लग पाया। ऐसे में किसान नाराज होकर आत्महत्या की धमकी दे डाली। तुम सही फांसी लगा ले यार, क्या जो मर जाओ यहाँ। मैनेजर साहब यहाँ मर जाइया, काहे काहे मर जाइया, धान नहीं तोला दे हम उसे मारी नहीं काखर तोला रथी यहाँ धान। सतना जिले में 3 सड़क हादसों में तीन दर्दनाक मौत। रौरा ग्राम पंचायत के सरपंच वीरेंद्र पटेल की ट्रक की ठोकर लग जाने से मौत हो गई, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर रखा था। वहीं दूसरी घटना तिगरा मोड़ के पास बेलगाम ट्रैक्टर ने 3 बाइक सवार को ठोकर मार दी। आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक युवक की मौत हो गई, 2 का उपचार चल रहा है। वहीं रैगवा के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल अमदारा थाना क्षेत्र के रैगवा के पास ट्रक ने बाइक सवार भिड़ंत होने पर बाइक सवार की मौत हो गई। सतना जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। यहां ठेकेदार की मनमानी के कारण सफाई कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। सतना जिला अस्पताल के सफाई कर्मी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका मानना है कि जब तक ठेकेदार हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, तब तक जिला अस्पताल की पूरी सफाई व्यवस्था बंद पड़ी रहेगी। ऐसे में अस्पताल के मरीज गंदगी के चलते बीमार भी हो सकते हैं और बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। सतना जिला अस्पताल का यह पहला मामला नहीं है। सतना जिला अस्पताल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जिला अस्पताल का रवैया उसी का उसी तरह है। न्यूज़ अब तक डॉट इन से मुकेश मिश्रा।